तुम गए जिक्र तुम्हारा न गया, तुमसे सिस्टम ये सवारा न गया, आए दिन लेते हो नया कर्जा, पिछला कर्जा भी उतारा न गया। सूरत हाल है बिगड़ती जा रही, इसलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल हैं आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। बड़े अजीबो गरीब इंसान है सर। अरे क्यों? आप किसी चीज पे भी कोट पहन लेते हैं और अच्छा लगता है सर। हाँ अजीब सी बात है ये। अजीब बरकतां करते रहते हैं अपने परछावे तो डर के दरख्त ही वज जाते हैं। इस तरह के बंदे उड़दा जहाज वेख के दोस्तों नूं कहंदे हुंदे भाई यार सफर भी बहुत ही औखा है। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ एक्स मिनिस्टर हैं फॉर टूरिज्म उशर एंड ज़कात, जनाब मलिक नदीम कामरान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा ज़ैनब राजा। शो जी ज़ैनब राजा जी आई हैं जी, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा। बड़ा ही प्यारा मैंने शेर आपके लिए लिखने की कोशिश की, नाकाम रहा। फिर मैंने अपने भाईजान के लिए लिखा। मलिक भी हैं नदीम भी कामरान भी। हाय हाय हाय। मलिक भी हैं नदीम भी कामरान भी, पीएमएलएन की आन है और शान भी। ये बरसों से है नूनियों की कश्ती में सवार, मगर किनारे तक पहुंचने के लिए जनाब हवा का रुख भी चाहिए बादबान भी। कोई किसे दा भा नहीं लगदा। क्या बात है। कोई किसे दा भा नहीं लगदा, हुण ते वीर भरा नहीं लगदा, ओहो ही बस शरीफ है इत्थे भल्यो जिदा दा नहीं लगदा। क्या क्या बात। मैं हंस पड़ा आगे से जब वो प्यार से बोली बोली, क्या बताऊं दुनिया वालों वो कितनी है भोली। मेरे हाथों पे हाथ रख के कहने लगी कैसर, यसु पंजू हार कबूतर डोली। जी मलिक सर, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया, और नहीं, नहीं। आप जैसी हस्तियों को मिलने का मौका मिला। अल्लाह ताला इनको कुछ रखे, आपको कुछ रखे। ये हमारे बैठे म्यूजिशियंस बैठे हैं और इनका मैं बड़ा फैन हूँ। ये मैं टीवी पे देखता था तो बल्कि नजर आते थे। अच्छा। प्रोग्राम में देखा तो इज फिट ठीक नहीं, नहीं है सर। आप जब दोबारा अपने आपको देखेंगे अभी टीवी में तो उसमें भी आपको बल्कि नजर आ रहे होंगे, ये हमारे कैमरे का मसला है। और दूसरा, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो हम आपको वापसी में पैक करवा देते हैं, आप साथ से जा सकते हैं। मैं तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा, मुझे यकीन है, इसलिए मैं फायदा उठाना चाहता हूँ आपकी पसंद से। मगर मलिक साहब, हालात कैसे हैं आजकल? सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, समझदार लोग कहते हैं कि हर दम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे भी हो यकीनन वो अल्लाह के हाथ में है, और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे सब के लिए एक आजमाइश की घड़ी है। इंशाल्लाह इससे निकलेंगे हम सारे, और इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। और इस वक्त थोड़ा सी परेशानी है, पूरी कौम को परेशानी है, कोई एक शख्स को नहीं है। और यकीनन इससे ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी इंडिविजुअल की बात यहाँ पर नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है, पाकिस्तान के लोग हैं तो वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, और सब परेशान हैं। और इस परेशानी से सिर्फ अल्लाह ही निकाल सकता है।
और इंशाल्लाह वो निकलेगा और जल्द निकलेगा। मूली वाले नु हालात ना पूछा करो, उन्होंने हालात कैसे होंगे कि ऑन दे फैन होए पे ने। यार अब ये देखो ना, साथ तुम एक तो पर्सनल हो जाते हो, अभी उन्होंने कहा इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। ज़ैनब आप बहुत तायीद कर रही थी उनकी बातों की। बिल्कुल सही कह रहे थे, सही कह रहे थे। कौन सी वाली बात आपको सही लगी? कि सब्र शुक्र करना चाहिए, बुरा वक्त टल जाएगा, अच्छा टाइम आएगा। अच्छा आप हमें देख के करें शुक्र, हम करते हैं आपको देख के। अच्छा आप भी इसी एग्री करती हैं कि इस वक्त बुरा टाइम चल रहा है? नहीं, बुरा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, लेकिन इससे और अच्छा वक्त आएगा। इससे और अच्छा वक्त आएगा, अच्छा जा रहे हैं। उनके तो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्या आड़े आ रही हैं इस वक्त? मुझे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन चल रहा है काम, जबरदस्त। खुश हो गए तदे तेरी सेहत बना लीजिए। यार क्या मतलब सर, असि एसी बंद कराते किसे उस वाना कंध ना ना वजन। आपको ऐसे जरा समझ आती है इनकी बातें? बिल्कुल आती है, वो माशाल्लाह। लेकिन है तो स्मार्ट है, लेकिन ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन कैमरा पे मैं भी देखिएगा, वो जो कह रहे हैं ना, बल्कि वही वाला मसला है। ये बात है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। अच्छा ये सबके साथ, ये क्या मसला है वैसे? बिकॉज़ कैमरा 10 पाउंड्स अपेरेंटली ऐड करता है, आई डोंट नो। अपेरेंटली ऐड कर देता है 10 पाउंड, तो हर कैमरा ऐसा ही करता है? हर कैमरा, अंटिल एंड अनलेस आप फिल्टर यूज करके अपने आप को पतला दिखाएं। अच्छा तो उसमें आप करती हैं फिल्टर यूज करके? बिल्कुल करती हूं हां। आपको इस सेहत के ऊपर भी फिल्टर यूज करके अपने आप को कम दिखाना होता है? मतलब मगर ये क्यों, ये मतलब वैसे तो नहीं मलिक साहब, है ना, लग तो नहीं रहा कि इनको कोई जरूरत पड़ेगी इस किस्म की? जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों कैसे करती हैं ऐसा? नहीं आप मेरा सोशल मीडिया देखें, मैं थोड़ी सी चबी लगती हूं। सोशल मीडिया भी चबी लगती हैं? साडा तो दिल करता है पैसे पाके तनु देसी घ्यो लेके देइए। यार सर जो कि फिर भी सर होगा ना कि जरा थोड़ा जो ना जो हालात चल रहे हैं थोड़ी सी सेहत होनी चाहिए। देखिए जो सेहत है वो इंटरनल होती है, आपको क्या पता मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मैं कितना एक्सरसाइज करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल कितना, मतलब अंदर से आपकी सेहत जो है वो सनी देओल जैसी होनी चाहिए। लेकिन हम तो चाहते हैं ऐसे हूँ, क्यों कामरान साहब दस नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, हाँ बस ठीक है, आप भी ठीक हैं फिर। मुगी प्रोग्राम आपने पूछा नहीं, आपको पता है उन्होंने एक टेलीफिल्म की, आप उसके बारे में पूछिए उनसे। सॉरी मैंने देखी नहीं। क्या नाम था आपकी टेलीफिल्म का? अभी मैंने रिसेंटली औरत गर्दी किया है। हाँ जी एक वेब सीरीज है वो किया मैंने। आपने एक ये की और एक और भी आपने कोई की थी, आई बिलीव अभी कुछ टेलीफिल्म आपकी एक आई थी। मैंने 3-4 की हैं और मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं, आप मुझे प्लीज रिकॉर्ड। माशाल्लाह आपको नाम याद नहीं है तो कैसी बनी होंगी? उनकी टेलीफिल्म का नाम था मेरा पिया घर आया। बहुत पहले की थी। नाम लिखो ना, मेरा कैसर पिया घर आया। मेरा कैसर पिया घर आया, वो आपकी अम्मी नहीं है। अगर बात सिर्फ पिया घर आया पे थी तो वही बताते हैं, आपने भी ना उसको पकड़ के कहाँ ले गए। तो आपने की मेरा पिया घर आया? जी जी। तो इसमें कौन थे? काफी टाइम पहले की थी। कौन इसके अंदर थे, पिया का रोल कौन कर रहे थे? अनम तनवीर थी उसमें। अनम तनवीर तो नहीं हो सकती पिया? नहीं, जो उनके लव इंटरेस्ट प्ले। अच्छा, मैंने नोट किया आप काम करके भूल जाती हैं। मैं भूल जाती हूं, जो काम किया होता है वो भी भूल जाती हैं, जिनके साथ किया होता है उनको भी भूल जाती हैं। मेरा ना शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है, मैं भूल जाती हूं। ये मसला कब से है आपका? बचपन से है ये। बचपन से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला है? तुसी ना अपना नाम चेंज करके सिर्फ गजनी लिख लो। वैसे ये कोई आपके पास है कि कितने वक्फे तक आपकी याददाश्त जो है वो? आई थिंक 1-2 महीना। इंपॉर्टेंट चीजें मुझे याद रहती है, बट लोगों के नाम शक्लें वो खत्म। 1-2 महीने तक, यानी कि जो काम करें उसके बाद रेज होना शुरू हो जाती है चीजें। आपको अपना एटीएम का पिन याद है? हाँ वो याद है। वो कैसे याद है? मैंने अपने फोन में लिखा हुआ है। अच्छा वो भी फोन में लिखा है, बहुत अच्छे। और फोन का पासवर्ड किसके पास है? सिर्फ मेरे पास। इन्होंने वड्डी भैन ने अपने मत्थे पे लिखाया मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं इकलौती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, 4 भाई हैं मेरे। फिर इतने टेंट दे लगा दिए मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं नहीं मगर देखिए उनका एक है शॉर्ट टर्म। सर आपका तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सब ठीक है, और आपकी तो यादें भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैं। बहुत लंबी यादें हैं, और जैसे एज बढ़ती है इंसान की तो यादें तो साथ चलती रहती है ना। उसमें से वैसे मलिक साहब कितनी तल्ख यादें हैं और कितनी हसीन यादें हैं? मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे वालदैन की दुआएं मेरे साथ, मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव रही है। और मैंने आप सुन के हैरान होंगे कि
74 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 1974 जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बना गवर्नमेंट कॉलेज का, वहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए। मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग किसी किसी को हासिल है और मैं अल्लाह का शुक्र आदवकत अदा करता रहता हूँ कि हर फील्ड में मैं कामयाब रहा। और एक इस ऐसे शहर में रहता हूँ साहिवाल में, जहाँ पे नाम मेरी बरादरी चंद घर हैं और मेरा अजीज़ कोई नहीं रहता सवाए एक के, और मैं चौथी दफ़ा ये इलेक्शन जीता हूँ MPA का अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तलख टाइम जो आया है वो 99 में जब कू हुआ मुशरफ साहब का, उस वक्त उससे लेके 2007 तक जो वो पैच था वो 7 साल का उसमें हुआ, क्योंकि हम 11 लोग MPA MN ने साहिवाल शहर से थे, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट थे। और ये मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम हुआ कि मैं उन 11 में से एक ही जो अपनी जमात के साथ खड़ा रहा और 10 जो जमात को भी छोड़ गया, अपने कायद को भी छोड़ गया। तो वो 7 साल मुझे काफ़ी टफ टाइम मिला, लेकिन अल्लाह ने मुझे मजबूत रखा और मैं कामयाबी से आगे बढ़ता रहा। मेरे दोस्तों की, मेरी पार्टी के दोस्तों की, अल्लाह की मेहरबानी के बाद उन्हीं के बलबूतों पे मैं कामयाबी हासिल कर। साहिवाल में सारे इतने प्यारे MPA MNs होते हैं, जैसे शाहजी भी आए थे, वो भी आप ही की तरह बहुत खूबसूरत मेरे MNA। वो कह रहे हैं क्या सारे इतने खुशकल होते हैं वहाँ पे, पता नहीं इंसान को दिल से होना चाहिए। नहीं सर, मगर माशाल्लाह एक बड़ी ग्रेस है। क्यों ज़ैनब, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, आपकी पहले मुलाकात हुई है कभी पॉलिटिशियन से? नहीं, और पहले आप ही के शो पे हुई थी। ये इतने जबरदस्त आपको पॉलिटिशियन से मिला रहे हैं, हमने चुन चुन के जो बेस्ट वाले पीस हैं वो आपको दिखाएं। तुर्की फिल्मों में हीरो लग रहे हैं। अरे वाह, माशाल्लाह प्यारे सर। कभी आपकी नजर से गुजरा कोई टर्किश ड्रामा? कोई घोड़ा तो नहीं मंगवाया हुआ आपने? नहीं सर, वो टर्की में घोड़ों के अलावा वाले ड्रामे बनते हैं, मगर आप देखते हैं वैसे कभी टर्की? जी मैं देखता हूँ जी। अच्छा, देखते हैं। टाइम ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन आजकल मैंने वो उस्मान का जो, अच्छा उस्मान गाजी जो है वो देखता हूँ, वो काफी अच्छा। अर्तुगरुल तो अलावा सारे ही देखे इन्होंने। नहीं, अर्तुगरुल के ही वो आगे सीक्वल है उनके बेटे का। वो तो खान साहब ने कहे ना, नहीं तो वो उस्मान गाजी भी उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने क्या जी, वो उस्मान बुजदार का क्या होएगा? नहीं ना, तुम गलत बात करो। आपने देखा वैसे ज़ैनब वो? नहीं, आप नहीं देखती? आप टर्किश ड्रामे नहीं देखती? नहीं, मैं देखती हूँ। मैंने इश्के ममनू देखा था। इश्के ममनू देखा था? अदनान का क्या हाल हो गया? वाह, सरी के बिल्कुल वही लग रहे हैं। अच्छा, ये इश्के ममनू तो बहुत कुछ 7-8 साल पहले का आया था ड्रामा, तो आपको अब तक याद कैसे है? बचपन का टाइम था, तो बचपन में आपको भूल जाता 2 महीने में आप यही सब कुछ हम देखते थे, यही देख देख के बड़े। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप कि तो मेमोरी का मसला है ना भाई, ये इतनी मेमोरी तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही बहुत शॉर्ट हो जाए। यही रहा था, जिस स्पीड से वो जा रही थी। जो चीजें मुझे याद रखनी होती हैं वो याद रहती हैं। जो चीजें उनको याद रखनी होती हैं वो याद रह जाती हैं। एक्टर का नाम याद आ गया, अहमद हसन नाम था। अहमद हसन का नाम याद आ गया, अहमद हसन मुबारक हो आपको, आज चलते शो के अंदर ही आपका नाम याद आ ही गया इनको। 2 महीने बाद फिर गया, 2 महीने बाद फिर शो करा लेंगे यार। ये देखिए, इन्होंने बाप का ये प्लीज करें, झुकते मारने की उनको पैसे मिल रहे हैं तो उनको मारने दो। अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है, देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिकर किसको पड़ी हमारी है, ओपोजिशन में और हकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है। आहो आहो आ, मैंने 1.5 अरब रुपया यूनिवर्सिटी को लेके दिया, इनसे लेके दिया, इनको पता ही नहीं चला कि कैसे। जिन्ना मेरे को माल सी 6 अरब डॉलर में नुकसान कर बैठा। 6 अरब डॉलर छोटे छोटे कारोबार इन्ना तो लग ही जाता है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मलिक साहब, आपने जैसा बताया 45 साल का तो आपका करियर हो चुका है माशाल्लाह पॉलिटिक्स का, व्हाट इज द वन मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज दैट यू हैव सीन इन द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, नॉट द पॉलिटिकल कल्चर, जस्ट द कल्चर अदरवाइज? देखिए, मैं अपना काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गरीब लोगों को या मेरे हल्के लोगों को पहुंचे, और उसमें मैं बहुत कामयाब हूँ अल्लाह के फजल से। और मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसा ऐसा काम किया है जो शायद बहुत कम किसी पॉलिटिशियन के नसीब में हो। मैं डिटेल बताऊं तो शायद 1-2 घंटे लग जाएं, तो लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल 70 साल के बाद मैंने इस्टेब्लिश करवाई साहिवाल में। मैंने जो PHA था उसको इस्टेब्लिश करवाया, मैंने गर्ल्स कॉलेज को इस्टेब्लिश करवाया,
मैंने वहाँ पे डिवीज़न बनवाया जो कि पाकिस्तान में एक ही डिवीज़न बना और वो साइबर बना, तो इससे तरक्की के दरवाजे उस शहर में खुल गए और वो हर लिहाज से स्टेटस सिंबल बन गया साइबर एक शहर। और वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत लोग हैं और ऐसे लोग हैं कि जो दिल में मैल नहीं रखते, वक्ती तौर पे तो मैल आती है लेकिन देर पर मैल नहीं रखते, और जहाँ मिलते हैं वो मोहब्बत से मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे भी कोई साइबल का होगा शख्स तो वो फौरन आपके इंट्रोड्यूस करेगा और वो खिदमत करने की कोशिश करेगा, प्यार करने की कोशिश करेगा। मैंने सर्व किया बहुत अपने शहर को और ऐसे बेसिक काम किए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। मेडिकल कॉलेज का मैंने जब तसव्वुर दिया तो लोग परेशान थे कि ये मेडिकल कॉलेज साइबल में बनेगा, लेकिन सुभाष शरीफ साहब की मेहरबानी से मैंने जब उनको ये प्रोजेक्ट बताया तो उन्होंने कहा ज़रूर बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बना लिया और अब 600 डॉक्टर वहाँ से 6 साल से निकल के भी जा चुके हैं। तो ये एक मैं तो समझता हूँ एक डॉक्टर भी बना लें आप और उससे एक मरीज भी आप बचा लें इसकी जान, तो आखिरी वक्त में आपको अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देता है। तो ऐसे बेसिक काम हुए। अगर ये यूनिवर्सिटी का आप काम देख लें, इस वक्त 3,500 स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी मैंने पिछले बजट में गो ये PTI की हुकूमत है, ये नाहलों की हुकूमत है, वहाँ पर मैंने 1.5 अरब रुपया यूनिवर्सिटी को लेके दिया, इनसे लेके दिया, इनको पता ही नहीं चला कि कैसे इनको पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लेके दिया और उन्होंने मुझे बताया कि इससे आप ये है कि यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ना शुरू हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक शहर में 10,000 स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू कर दें तो उस शहर की हालत कितनी बदलेगी। और इसकी एफर्ट्स कैसे किए जाते हैं, ज़्यादा किसी पर तनकीद तो नहीं करता लेकिन अफसोस ये आता है कि अगर इनको कोई टाइम मिला था तो ये कुछ तो कर लेते। अब तो मुझे ये डर लगता रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता आज कल हमें कोई इख्तियार मिल जाएँ तो जहाँ पर हम छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, पंजाब को या साहिवाल को, अब दोबारा उस प्लेस पर लाते हुए भी अरसा दराज लगेगा और अरसा दराज के बाद शायद उस लेवल पे चले जाए। इधर मतलब अगले वोट फिर नून लीग नू ना दिए सी क्योंकि इन्होंने भी यही कहा अरसा दराज लगा पिछले खराब करके फायदा क्यों यार। ऐसी बात नहीं जनाब, आप वोट डालती हैं? जी मैं प्रो PTI हूं। ठीक है जी। और आप एग्री करती हैं इनकी बातों से? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। ये लोग और पीपल्स पार्टी जहाँ छोड़ के गए थे वहाँ से टेक ओवर किया है PTI ने, और जो PTI भुगत रहा है वो इनकी और पीपल्स पार्टी की सारी जो साजिशें और व्हाटएवर जिसकी वजह से हम पूरी आवाम भी फेस कर रही है, सब फेस कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो PTI ने इतना बुरा काम किया या नहीं किया, जो फेस करना पड़ेगा ये एक साइकिल उस टाइम से चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है, तो इसको तोड़ने में बहुत आप एग्री करते हैं इस बात सीधे तो ये बात ठीक है, इनकी ज़रूर अपनी अप्रोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, लेकिन हकीकत है कि जो CPAC का मंसूबा था जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे थे और जिस स्टेज पर हमने चला जाना था, यह आज सजा भी मियाँ नवाज शरीफ को उसी की मिल रही है। और पंजाब और CPAC ये इसकी जो कमेटी बनी थी मैं उसको हेड कर रहा था कि हमने उसमें क्या करना था, लेकिन ये इंटरनेशनल ये हम खाली ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स PTI की इतनी पॉलिटिक्स कोई नहीं है, इनको कोई नहीं जानता इतना, एक माइनस कर दें तो बिल्कुल शटर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और उसी की वजह से ये नुकसान होता है। बीइंग पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री और एटॉमिक पावर, इसको सज़ा मिल रही है। तो अगर हम ईमान से अपने मजबूती से थामे रखें और कोशिश करें तो इंशाल्लाह शिकस्त देंगे हम इनको। नदीम भाई आप जितने माशाल्लाह समझदार हैं, वो तरीका तो दसो PTI को पैसे किवें कढ़वाए तुसी वो दसो कि चौकीदार सुता है तो चुक लिया तुसी? नहीं सर, वाइस चांसलर साहब मेरे पास आए घर और उन्होंने कहा जी कि आप एक काम है, मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा काम है तो मैंने कहा जी क्या काम है, उन्होंने कहा जी इस तरह साहिवाल को उन्होंने बैन कर दिया कि यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं देने। तो मैंने कहा यार मेरा तो इनके साथ कोई तल्लक नहीं, मैं तो PTI को जानता भी नहीं, मैं इनके साथ हाथ भी नहीं कभी मिलाता, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं मिलाते हाथ, लेकिन इन लोगों को मैं कह भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी हम सब PTI वालों के सारे 3-2 मिनिस्टर हमारे सब से मिल के आए हैं और उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उनको कहा जी कि आपके पास कोई ऐसा बताएं कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा हो जो मेरे साथ सर्व किया हो तो मैं उस तक अप्रोच करूं। मैं अब नाम नहीं लूंगा उनका, तो मैंने उनसे फोन किया, वो फेडरल गवर्नमेंट में थे, उनको किया, उन्होंने कहा जी आप वाइस चांसलर को सुबह भेज दें मेरे पास, तो
तो मैंने कहा जी ये मेहरबानी करें, मेरे कहने पे मैं कट शॉट करता हूँ। तो वो चले गए इस्लामाबाद। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुलाकात की उनसे, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि साहिबाल को तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि इसको नहीं देना, क्योंकि वहाँ पीटीआई सारी सीटें आ रहे हैं, हारा हुआ है जी जी। तो उकाड़ और साहिबाल को अपने नहीं देना, तो पीटीआई बाज दिए सीटें रखे। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कहा कि आप मेहरबानी करें, ये बच्चों का मामला है, मेरी जात का मामला नहीं, इसका तो मुझे पता भी नहीं काम कौन सा है, ये वाइस चांसलर साहब बताएंगे आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शॉर्ट करते हुए 8 दिन के बाद मुझे वाइस चांसलर का फ़ोन आया कि जी मैंने आपको मिठाई खिलानी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते जी काम हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये काम क्या था आपका? तो उन्होंने कहा जी 1,47,70,00,000 रुपया यूनिवर्सिटी को साहिबाल को मिल गया। और वो अब जा चुका हुआ ना जी, आ गया। ये ना आपका इंटरव्यू देखने के बाद वो वापस हो जाए। नहीं सर, वो आ गया हुआ, आ गया हुआ, बस अब आप देख लें आपने प्लीज, अब हो गया ना, हुन की हो गया। नदीम भाई आपने जितना भी काम किया है ज़ैनब जी नहीं मान रही, ये तो वो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बिल्कुल काम किया होगा, बट मैं प्रो पीटी आई हूँ, मुझे पूरा राइट। मगर ये जो बाकी उन्होंने बताई जो कहानी आपकी, ये जो कि बच्चों को यूनिवर्सिटी को पैसे मिल गए, ये भी आपको लगी सही है? इसमें भी कोई मसला? बिल्कुल सही लगी है, लेकिन उनको आई थिंक इस चीज को भी मानना चाहिए कि फंड आए कहाँ से हैं, वो इन द एंड पीटीआई की गवर्नमेंट से ही आए हैं। जैनब किस बात के साथ हूँ मैं? अच्छा, कि जो उन्होंने अच्छा काम किया वो भी मानना चाहिए। वो तो माने, हाँ, वो तो माने चाहिए। बिल्कुल। तो आप खुश है ना इस बात पे कि मैं पीटीआई में आ गए? हाँ, ही आया 2 मिनट पहले। ऐसे क्या होता है, क्यों आप हमेशा जो भी खातून आती हैं वो जो पार्टी की बात कर रही होती हैं आप उसमें शामिल हो जाते हैं? सर वो उन्होंने जो की ना टेलीफिल्म, मेरा पिया घर आया, तो पिया किसका नाम है, कैसा पिया? इसीलिए वो टेलीफिल्म मैंने साइन की थी, जब स्क्रिप्ट आया था तो मैंने पिया पढ़ के साइन किया। हाय हाय हाय, श्रीको सुनो, फिल्मों में भी काम करने का शौक है या नहीं? हाँ, अगर कोई अच्छी ऑफर मिली तो बाय नॉट। कोई आपकी है विश लिस्ट, है कोई एक्टर्स ऐसे जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? हुमायूं सईद के साथ फिल्म करना चाहेंगी? फिल्म या ड्रामा? सबा कमर, कुछ भी, एनीथिंग। हुमायूं सईद या सबा कमर? उनके साथ एक ऐड किया है हुमायूं सईद के साथ, बट फिल्म और ड्रामा भी मिलेगा तो अच्छा। आखिरी फिल्म और आपने वो देखा होगा उनका ड्रामा मेरे पास तुम हो? ओह यस, वो देखा। और आपने उनकी फिल्म भी देखी होगी पंजाब नहीं जाऊंगी? मैंने उनकी सब फिल्में देखी, सब देखी हुई फिल्में आपने, ड्रामे भी सारे देखे हुए हैं। चल मेरा पुत देखी? नहीं, नेल्सन मंडेला ने काम किया था I am great. You know, yesterday morning I met my old friend. Oh. Yeah, he is a Chinese business tycoon. Tycoon? Yes, we were class fellow in Gautam University in United States. Oh my God. Maine kaha, how's going your business? Haan. Main kaha, kacha te swa. Okay. Main kaha, inne main business kite, but main fail ho gaya. Haan. Jinna mera kolo maal si, $6 अरब में नुकसान कर बैठा। $6 अरब? छोटे छोटे कारोबार लग ही जाता है। मैं के ओदे चंगा सी, मैं किधरे फैक्ट्री पा लैंदा, किधरे मैं रिफाइनरी बना लैंदा, बट कहिंदा फैक्ट्रियां नहीं पानियां चाहीदियां वड्डियां वड्डियां, जदों गवर्नमेंटां पबजील हो जांदियां ने तब्दील, फिर ओदे ते कब्जा कर लैंदियां। कहिंदे ने स्माल बिजनेस करना चाहिदा, इफ यू वांट मी सक्सेस ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੂਥਪਿਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਲ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ 10,000 ਕਮਾਓ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋ ਮਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ ਔਨ ਮੀ। 10,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ MP ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ,
शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहब, मैं ते फैन हो गया उन्हां दा। अच्छा, ओए होए जदों दे गए ने दिल नहीं लगता। देखो, इसको कहते हैं मोहब्बत। बिल्कुल, जब से मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं दिल नहीं लगता दियारे यार में। भलाओ मियां दे नारे बजने जी, दोबारा रंग सजने सजने जी, वो तपाओ 2023 आ रहा है उन्होंने बुलाओ, 10,000 च कारोबार चलाओ। क्या बात है, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट मैन। नहीं, एक महीने का एडवांस भी देते हैं बाजी, तुहाडे कोल कोई 150 अगला इलेक्शन भी जीतणगे मियां नवाज। बड़े पैसे ने। मैं क्या एक मिसाल है कि ए देखो ना जी, थोड़ा मैं क्या इंस्टाग्राम हैगा, हाँ। मैं इंस्टाग्राम खोले, मैं क्या देखो जरा 255 फॉलोवर ने, 13 पोस्टा ने, कहते ने 3 साल के मैं पोस्टा तो काफ़ी चेंज की। महबूब लीडर निर्गोली, दिस इज नॉट फेयर, मैं समझ तो नहीं भी की कह रहे हैं। मैं सर ऑर्डर लाओ, कहने कम टू मी कड़े डाला एयरपोर्ट था बैठा पहुंचे सलूट मारे, मैं सर ऑर्डर लाओ, कहने हुकूमत कैसी जा रही है, मैं क्या बस समझो जा रही है। मैं कहने की कह रहे हैं, मैं क्या सर उन्होंने जो पीटीआई के फॉलोअर ने वो भी यही कह रहे हैं। अच्छा, कहने किस तरह, मैं क्या सर उनके फॉलोअर डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, कहंदे ने तैनू किस तरह पता लगता है, मैं कह सर इंस्टाग्राम, ऐसे मैं कह इंस्टाग्राम की दुनिया चल रही है। आज भी कोई बंदा कोई शह खरीदन लगे पहले जाता इंस्टाग्राम से, वेंदा फॉलोअर किन्ने ने, लाइक्स किन्ने ने, कमेंट्स किन्ने ने, फिर वो कंटिन्यू करता है। मैं कह एक मिसाल है कि ए देखो ना जी, थोड़ा मैं क्या इंस्टाग्राम हैगा, हाँ। मैं इंस्टाग्राम खोले, मैं क्या वेखो जरा 255 फॉलोअर ने, 13 पोस्टा ने, कहते ने 3 साल के मैं पोस्टा तो काफ़ी चेंज की। मैं क्या सर पोस्टा मीन तस्वीर, हाँ, फोटो, हाँ, अच्छा मैं क्या तस्वीर लाओ डे बाय डे दिन च पांच, क्योंकि लोग अपने महबूब लीडर नू वेखना चाहते ने। हाँ। इत मैं क्या तस्वीर लाओगे फॉलोवर आउणगे, कमेंट्स आउणगे, लाइक आउणगे, कहंदे ने मेरी गल सुन सुने आ, फोटो मैं लाउना ना लाइक्स आउन ना आउन, हाँ। बयान बड़े आउंदे ने। मैं क्या कैसी मेरे लीडर ने गल की थी, समझ तो खैर मैंने भी नहीं आई। लेकिन मैं क्या चलो किसी सियाने बंदे नू पुछांगे, कोई नून लीग का बंदा होवे, बंदा उहदे नाल गुफ्तगू शनीद करे ते फिर ही पता लग सकता है। सारे ले सियाने बंदे आए ने कि तू चीचा वतनी दी गल्लां भी पुछ सकदा। अच्छा जी, सही बात है, गल्लां चल। ओ मोहम्मद नदीम कामरान शाहिद साहब, कामरान शाहिद नहीं है, मोहम्मद नदीम कामरान है, कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम है बड़ा विन है ना, ते ओ माशाल्लाह साहिवाल, यस सर, तुसी मलक नदीम साहब नो 2018 दे इलेक्शन दा बाबर आजम भी कह सकदे हो। चौका मारे है, चौथी बारी एमपी उठा जीते ने, बिल्कुल कोई नहीं फायदा होया, हुकूमत नहीं बनी। हाँ। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, अगुआ नहीं रहा 2023 दा इलेक्शन नहीं होना। क्या नहीं होना सर, पीटीआई ने हुण नहीं होना। अच्छा, साई वालों नहीं होना, बाकी जिथों मर्जी हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूरा पंजाब उन्होंने पीटीआई ने लुट लेना। अच्छा, साई वालों नहीं हो सकते। ओ मोरे सैया, अच्छा जी जैनब जी, हाँ जी, मैं फैन हैगा इन्हों का, माशाल्लाह इन्हों का मैं ड्रामा वेखिया मोरे सैया। अच्छा, कमाल की अदाकारी खरे कितने की ने मोरे सैया, हाँ कितने शूटिंग हुई पाकिस्तान में। वेरी गुड, शाबाश मेरे पुत्र, चौकस रही द सर, थोड़े नाल एक फोटो बनानी सर, मैं फ्रेश बिल्कुल
क्योंकि अगे थोड़ी हुकूमत आ जानी तुसी वजीरे वाला पंजाब बन जाना ते मैं थोड़े नाल ड्यूटी करनी। मैडम कहना ही है वन सेल्फी प्लीज थैंक यू। एनु कहंदे ने इंटेलेक्चुअल मैन। ओए होए केड़ा दी गल कर रहे हैं भला मैं मलिक साहब की अपनी सर इंटेलेक्चुअल बंदा इन्हां दे नाल रह सकदा सियासत दे विच वरना ऐसी पाक साफ सियासत करते ने भी किसी शहर की लालच है ही नहीं। बड़ा जहीन अफसर है वैसे भाई बब्बर शेर नाके देने कभी किसी को पैसे नहीं मंगे सिर्फ जाके इंज ही कहता समझते गए हो गए सर इन कहते ने बुरदबारी। सर डूबती किश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। बड़ा टेढ़ा सा सवाल किया आपने। शहबाज शरीफ साहब बड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ठीक है जबरदस्त। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। सर ये बताइए एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें तीन लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब नवीद असलम लोधी, राणा रियाज अहमद और मोहम्मद अरशद मलिक। तो तस्वीर किसके साथ? मलिक अरशद साहब ने मेरा नाम लिया था चंद दिन पहले तो आपने फेवर लौटा दिया उनको, उनको वापस। ठीक है तस्वीर उनके साथ हो गई। मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के राणा रियाज साहब को, राणा रियाज साहब को और नवीद साहब को। नवीद साहब फ्लोर आ गया है आपका। ठीक है सर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, दो सीटें हैं, एक अपने हैं दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास हैं आबिद शेर अली और राणा सनाउल्ला। आबिद शेर अली फिर से एक बार चांद पर। सर कोई तीन नाम आपने मुझे बताने हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हो तो कोई बुरा नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है लेकिन फिर भी मजबूरी है अगर आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाएं। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? ओए हो जनरल नॉलेज पे चलेंगे। ये बताइए 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में कुल कितनी सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, 18 के करीब लिया। नहीं सर बहुत बड़ा फर्क है। फिर वापस आ जाए उसी में। वापस उसी में आ जाते हैं। तो सर बताएं जी कौन है वो? हामिद साहब। हामिद खान साहब बिल्कुल। अच्छा एक वो हो गए राजा बशारत साहब। राजा बशारत साहब दो हो गए, एक और नाम आपने देना। चौधरी साहब हैं मिनिस्टर हैं फैसलाबाद से, उनका नाम नहीं मुझे आ रहा याद क्योंकि अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है इनके साथ। फैसलाबाद से चौधरी साहब जो हैं जी। ठीक है सर ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, मलिक साहब किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। शीरी मजारी थोड़ी सी बेहतर है। बिल्कुल ठीक है शीरी मजारी साहब हो गई। सर डूबती किश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। बड़ा टेढ़ा सा सवाल किया आपने। शहबाज शरीफ साहब बड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ठीक है जबरदस्त क्या बात है। जी जनाब देख लिया आपने। जी जरा बताएं आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस है डॉक्टर आमिर लियाकत और मौलाना फजल रहमान। आमिर लियाकत साहब। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ गया है। ऑप्शन है अहमद अली अकबर, आद रजा मीर और फैसल कुरैशी। तो स्माइल किसके लिए? अहमद अली अकबर। तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगी? फैसल कुरैशी के साथ। तस्वीर खिंचाएंगी, स्माइल देंगी अहमद अली अकबर को और फ्लोर आ गया आद रजा मीर का। ठीक है आप भी चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, किसी को साथ लेके जा सकती हैं जिनको चांद पर छोड़ेंगी, कौन होंगे वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहमद अली भट्ट और जनाब यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को मैं छोड़ाऊंगी। ठीक है टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब बिलावल भुट्टो। हुमायूं सईद। नहीं मैं यही दे रहा हूँ। इन दोनों को नहीं लेकर। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? जनरल नॉलेज पे चली गई है वो। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम बताइए। नहीं पता मुझे। नहीं पता आप वापस जाना चाहेंगे उस सवाल पे? टाइटैनिक पर वापस चले गए तो कौन है वो जिनको साथ लेके जाना चाहेंगे? बिलावल भुट्टो और उस्मान बुज़दार। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो होंगे वो। ठीक है डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रही हैं? ऑप्शंस हैं जनाब इमरान खान और जनाब हुमायूं सईद। इमरान खान। इमरान खान साहब हुमायूं सईद साहब आप लाइफ जैकेट नहीं ले सके। ठीक है मलिक नदीम असद साहब थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। ज़ैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। We'll be right back.